दोस्तों आज हम फिर आए आपके बीच नए ट्यूटोरियल के साथ, और आज का ट्यूटोरियल भी है सब दिन से अलग और बहुत ही गजब का ट्यूटोरियल है ये। और वीडियो बहुत ही सिंपल है और सिंपल तरीके से आप इसको एडिट कर सकते हैं, कुछ भी इसमें मेहनत नहीं है। और अभी तक इसका ट्यूटोरियल पूरे यूट्यूब में शायद किसी ने नहीं दिया है, शायद हाँ एक भाई ने दिया भी है, लेकिन उन्होंने इतना लंबा चौड़ा घुमा फिरा के दिया है कि कोई भी बंदा उस वीडियो को देखने के बाद वीडियो बना ही नहीं सकता। और ये मैं पूरा दावा कर सकता हूँ, पूरा चैलेंज कर सकता हूँ, ये वीडियो जिसने पूरा देख लिया वो इस वीडियो को बड़े आसानी से बना लेगा। और मैं आपको इसका ट्यूटोरियल बहुत ही आसान तरीके से बताने वाला हूँ। और सबसे पहले मैं ये दिखाऊंगा आज आपको कि इस तरीके का वीडियो पे व्यूज कैसे कितना आता है और इसका रीच कितना हाई हो आता है, ये चीज भी मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। और दोस्तों टेलीग्राम लिंक आप ज्वाइन कर लो, सारे लोग टेलीग्राम में पहुंच जाओ, क्योंकि आपको मैं जितने भी इफेक्ट साउंड वगैरह यूज करता हूँ सारे टेलीग्राम में मैं प्रोवाइड कराता हूँ, ताकि आपको अगर आपको ढूंढना ना पड़े और आप आसानी से आप तक सारी चीज पहुंचाएं और वीडियो को आप आसानी से बना लें। अब देखिए दोस्तों मैं आज आपको दिखाऊंगा कि इस तरीके की वीडियो पे रीच कितना आता है और व्यूज कितना आता है। अब देखिए मैं आपको अपने YT स्टूडियो में लेके चलता हूँ और आपको दिखाऊंगा मैंने इस वीडियो को अपलोड किया है और इस वीडियो पे कितना अच्छा व्यूज आया है और इस वीडियो का रीच कितना है। अब देखिए हमारा YT स्टूडियो ओपन हो रहा है और ये देखिए ओपन हो चुका है। अब हम आपको लेके रियल स्ट्रीट में लेके चलता हूँ मैं आपको, और यहाँ पे मैं दिखाऊंगा जो मैंने वीडियो अपलोड किया है। अब मैं आपको इस वीडियो को ओपन करता हूँ, अब आप देखिए इस वीडियो का रीच। अब देखिए इस वीडियो को मुझे अपलोड करे हुए कितने 39 घंटे हो चुके हैं। ये देखिए घंटे यहाँ पे आ रहे हैं, 14,000 व्यूज आ चुका है, 14,000 प्लस व्यूज आ चुका है। और इस वीडियो में सब्सक्राइबर कितना गेन हुआ है, 30 सब्सक्राइबर इस वीडियो के अंदर आ चुका है एक वीडियो में। और इस वीडियो का आप रीच देख लीजिए, रीच कितना अच्छा है, 80% दोस्तों इस वीडियो का रीच है, गजब का रीच है, हाईएस्ट रीच है ये। और अभी ये वीडियो आगे अभी और चलेगा। YouTube क्या करता है, देखो YouTube पे जब आप वीडियो अपलोड करते हैं तो 4-6 घंटे बाद 10 घंटे बाद वो वीडियो वायरल होता है। जब मैंने इस वीडियो को अपलोड किया तो एकदम मेरा वीडियो वायरल नहीं हुआ था, लेकिन जब ये इस वीडियो को 12 घंटे कंप्लीट हो गए थे उसके बाद ये वीडियो चला और अब इसकी 80% रीच है। अब ये वीडियो बीच में चलेगा, अब ये कब चलाएगा और जैसे ही चलाएगा इसका व्यूज बहुत हाईएस्ट जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके का वीडियो का ट्यूटोरियल आज मैं आपको देने वाला हूँ, वीडियो को पूरा ध्यान से देखना, क्योंकि इस तरीके की वीडियो पे इतना अच्छा रीच और इतना अच्छा व्यूज आपको मिलेगा कि आप भी हैरान रह जाएंगे। तो चलिए दोस्तों अब हम वीडियो को स्टार्ट करेंगे। अब हम आपको दिखाते हैं कि हमने वीडियो को शूट कैसे किया है, एडिटिंग से पहले का चल रहा है और एक एडिटिंग के बाद का चल रहा है। तो दोस्तों इस तरीके से आपको वीडियो को शूट कर लेना है, बहुत आसान है वीडियो को बनाना। लोगों ने बहुत तरीके से घुमा घुमा के इसका एडिटिंग ट्यूटोरियल दिया है, लेकिन मैं आपको सिंपल तरीके से इसका ट्यूटोरियल दूंगा ताकि आपको बड़ा आसानी से समझ में आ जाए। तो चलिए दोस्तों अब हम चलते हैं सीधे एडिटिंग की ओर, सीधे काइन मास्टर। दोस्तों हम अपना काइन मास्टर ओपन करते हैं, ग्रेड नाउ पे क्लिक करेंगे और 9:16 का आपको रेशियो लेना है, ध्यान रखना क्योंकि शॉर्ट वीडियो है। पहले हम अपना यहाँ पे वीडियो को लेके आते हैं। अभी देखिए हमारा वीडियो आ गया है। अब हमने यहाँ पे करना क्या है, सबसे पहले एक्स्ट्रा पार्ट कटिंग करना है। तो हमारा देखिए यहाँ से वीडियो शुरू होगा, तो हम वीडियो पे क्लिक करेंगे, यहाँ कैची में जाएंगे और इसको ट्रिम करेंगे लेफ्ट, यानी आगे का हिस्सा हमारा कट जाएगा। अब हमें आना है पीछे की साइड और पीछे का एक्स्ट्रा पार्ट जो हमारा है, तो जैसे मान लीजिए हमारा वीडियो एंड हो गया है तो हमें इसे कर देना है ट्रिम राइट, ठीक है, ये हमारा राइट हो गया। अब हमें थोड़ा सा इसमें कर लेना है एडजस्टमेंट, क्योंकि हमें वीडियो का क्वालिटी थोड़ा सही करना है, बहुत ज़्यादा ब्राइटनेस हो रहा है, इसको कम करेंगे स्टेप से, तो हल्का हल्का एडजस्ट कर लेंगे स्टेप से, तो हमारा ये वीडियो को हल्का एडजस्ट कर लेना है। अब यहाँ पे देखिए आपको और एक्स्ट्रा पार्ट कटिंग करने हैं, जैसे अब आपने यहाँ पे आप करेंगे जंप, ये देखिए ये आपने जंप किया, तो यहाँ पे आपको कर देना है वीडियो को स्प्लिट, यानी कि यहाँ से हम कर देंगे कैची में जाके स्प्लिट, स्प्लिट कर दिया और हमने यहाँ पे एक्स्ट्रा पार्ट को कट करना है, हम फ्रेम से बाहर हो गए तो इसको हम कर देंगे ट्रिम लेफ्ट, ये हमारा बीच का पार्ट कट हो गया है। अब हमने एक्स्ट्रा पार्ट और कट करना है, तो यहाँ पे देखिए ये यहाँ से हम दूसरा हमारा रोल शुरू होगा, तो हम थोड़ा सा बीच में लेके इसको कैची में जाके ट्रिम लेफ्ट कर देंगे, यानी कि इतना पार्ट हम यहाँ से निकाल देंगे, ठीक है, इतना हम यहाँ से पार्ट निकाल देंगे। निकालने के बाद हमें करना क्या है, हमें इस वीडियो के एंड में आना है, आगे वाले जो हमने क्लिक किया है तो इसके एंड में आना है, जहाँ से हमारा ये जंपिंग हो रहा है, यहाँ पे हम क्या करेंगे,
एक कैप्चर ले लेंगे। यहाँ कैप्चर में जाएंगे और यहाँ ले लेंगे कैप्चर एंड सेव पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद तो हम चलते हैं क्रोम ब्राउजर में और यहाँ पे हम सर्च कर लेते हैं रिमूव बीजी। जैसे हम सर्च करेंगे रिमूव बैकग्राउंड की साइट खुलेगा, इस पर क्लिक करना है। जब आप क्लिक करेंगे तस्वीर अपलोड यानी इमेज अपलोड का ऑप्शन आएगा, इसमें आपको क्लिक करना है और अपना वाला जो है जो आपने अभी कैप्चर लिया उसको यहाँ सेलेक्ट करना। अभी देखिए इस तरीके से हमारा बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा और यहाँ पे हमको इसको कर लेना है सेव। सेव करने के बाद अब हम चलेंगे फिर से काइन मास्टर में, यहाँ पे लेयर में जाना है और अभी जो हमने PNG बनाया है फोटो उसको ले आना है। तो हम यहाँ पे इसको लेके आ गए और इसको करेंगे हम फुल फ्रेम। स्टेप से हमने फुल फ्रेम कर लिया, मैच कर लिया और हम इसके एंड में आएंगे और इस पर करेंगे प्लस। अब आपको क्या करना है, इसको ऐसे ले जाना है नीचे की ओर, ठीक है। और अब आपको इसका साइज कर देना है थोड़ा कम, यहाँ पे इतना साइज कर देना है। अब आप इसको प्ले करके देख लें तो ये हमारा ठीक से वर्क कर रहा है। तो अब हमने यहाँ पे करना क्या है, अब हमें आना है यहाँ पे जहाँ से हमने लकड़ी टच किया है स्टार्ट। देखिए यहाँ से हमने लकड़ी को रखा है तो यहाँ पे रोकना है वीडियो को और लेयर में जाके अब आपने लेके आना है मछली वाटर वाला इफेक्ट। तो हम यहाँ पे जाएंगे और ये वाला हमारा इफेक्ट है, हम यहाँ पे इसको लेके आ जाएंगे। ये हमारा इफेक्ट आ गया है। तो हमने इस पर करना क्या है, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा क्रॉपिंग का, इस पर जाना है, इसको मास्क ऑन करना है और शेप वाले ऑप्शन पे क्लिक करके ये गोल वाला शेप ले लेना है। अब गोल वाला शेप आप ले लेंगे तो इसको आप बैग आएंगे और इस टाइप से बीच में क्रॉप कर लेंगे इसको, ठीक है। इस टाइप से आपको इसको क्रॉप कर लेना है, ठीक। यह आपने इस टाइप से क्रॉप कर लेना है और इसको कर देना है बिल्कुल छोटा। अब आपको अपनी लकड़ी के आगे बिल्कुल इसको सेट करना है और हल्का सा वीडियो को कर लेना है जूम, ठीक है। जूम करने के बाद अब आपने थोड़ा सा आगे बढ़ना है, जैसे आपका लकड़ी यहाँ तक गया, ये देखिए लकड़ी यहाँ तक गया तो आपने यहाँ पे प्लस करना है। देखो की का ऑप्शन मिलेगा, इस पर प्लस करके इसको बड़ा करना है इस टाइप से और अपनी लकड़ी के आगे इस टाइप से सेट करना है, ठीक है। इस टाइप से आपको मिलाना है बिल्कुल सही तरीके से, ये हमने ऐसे मिला लिया। फिर हम आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे प्लस करेंगे और इसको और बड़ा करेंगे इस टाइप से और इसको अपनी लकड़ी के आगे इस टाइप से मिला लेंगे, ठीक है। ये हमें इस टाइप से मिला लेना है अच्छे से, ये हमारा मैच हो गया है, ठीक है। ये हमारा ये फैक्ट लग गया। अब देखिए आप ये आप यहाँ पे जंप करेंगे तो ये देखिए अभी आप जो है नीचे की ओर जा रहे हैं, ठीक है। तो अब आपने करना क्या है, इस पे आपने अपने वाले पिक पे यानी जो PNG पिक है उस पे क्लिक करके यहाँ पे 3 डॉट पे जाके इसको कर देना है फ्रंट, ठीक। इसको आपको इस टाइप से फ्रंट कर लेना, ठीक है। अब आप इसके फ्रंट में आ गए, देखिए आप जैसे आप यहाँ पे हैं तो यहाँ पे आपको क्या करना है, एक यहाँ पे कैप्चर वाले ऑप्शन में जाना है, कैप्चर में जाना है, इसको आपको कैप्चर एंड ES लेयर पे क्लिक करना है, यहाँ का लेना है कैप्चर। जब आप इस तरीके से क्लिक करेंगे यहाँ पे देखिए गैलरी में कैप्चर होके आ गया है। अब आपने स्प्लिट स्क्रीन पे जाना है, देखिए स्प्लिट स्क्रीन का ऑप्शन मिला, इस पर जाना है, इसको फुल कर देना है। फुल करने के बाद यहाँ पे हाफ स्क्रीन कर देना है, हाफ स्क्रीन के बाद इसको यहाँ पे इस टाइप से बीच में ला कर छोड़ना है, ठीक है। यह आपने इस टाइप से कर लिया। अब आप इसको देखिए ये आपका यहाँ पे सेट हो रहा है, ठीक है। तो अब आपको करना क्या है, यहाँ पे केवल उतना ही रखना है, ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं रखना, नहीं तो ये लगेगा कि आपका ये आधा जो पॉइंट बाटर वाला आधा रुका पड़ा है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कैंची में जाके इसको आगे का कर देंगे ट्रिम राइट यानी आगे कट कर देंगे। यहाँ पे इसको और कहाँ तक रखना है, जैसे अब यहाँ पे ये हम यहाँ से इतना छुप गए, ये देखिए चले गए नीचे, तो इसकी लेंथ और थोड़ी कम कर देंगे इस टाइप से, बिल्कुल छोटी सी लेंथ हमको इसकी रखनी। तो आगे हम थोड़ा सा आगे से भी कर देंगे इस टाइप से। अब देखिए इतना सा आपको बीच में रखना है, थोड़ा सा आपको कैप्चर रखना है, ठीक है। ये आपका इस टाइप से मैच हो जाए। करना क्या है, यहाँ पे आपको वाटर वाला जो जंपिंग वाटर उछलने वाला वो लेके आना है, लेयर में जाना है, मीडिया में जाना है और अपना लेके आ जाना। तो ये हमारा वाटर वाला आ गया है। तो अब हमने यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा आपको ब्लेंडिंग का, ब्लेंडिंग में जाके और आपको कर देना है स्क्रीन, तो इसका बैकग्राउंड ब्लैक हट जाएगा। और इसको आपको यहाँ पे सेट करना है,
थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे साइज, और इसको यहाँ पे हम सेट कर देंगे स्टेप से, यहाँ पे ला देंगे बीच में। ठीक, अब हम इसको एक बार प्ले करके देखते हैं। ठीक है, ये हमारा स्टेप से बन गया है। तो हमने आगे का जो है, इसमें कई वाटर का है तो इसको हम कर देंगे आगे का कट, ट्रिम राइट कर देंगे। और अब देखिए ये जो वाटर वाला है इसको हमें थोड़ा सा कट कर देना है, बस यहाँ तक रखना है और इसको कर देना है ट्रिम राइट। अब हम एक बार इसको प्ले करके देख लेते हैं। ठीक है, ये हमारा वीडियो स्टेप से बन जाएगा। अब इसमें जैसे ये हमने ज़मीन चीरने वाला जो साउंड का आवाज़ आता है, वो साउंड मैं आपको टेलीग्राम में दे दूंगा। वो आपको यहाँ पे इस तरीके से साउंड लगा लेने हैं, और भी आपको जो भी इसमें साउंड लगाने हैं म्यूजिक, आप इसमें ऐड कर लेना। ये वीडियो बनके आपका रेडी हो गया। आई होप दोस्तों आज का इन्फॉर्मेशन, आज का वीडियो आपको पसंद आ गया होगा। तो दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, मैं कोई भी वीडियो बनाऊं तक नोटिफिकेशन सबसे पहले चला जाए और आप आराम से वीडियो को देख पाए, क्योंकि मैं VFX ट्रेंडिंग मैजिक वीडियो का ही ट्यूटोरियल लाता हूँ। टॉपिक पे अगर आप काम करोगे तो 101% आप यूट्यूब पे सक्सेस, कामयाब हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।